सो गाइज वेलकम बैक, मैं हूँ अरुण सिंह। सो आज मैं अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम एक अनबॉक्सिंग वीडियो डालने वाला हूँ। ये जो अनबॉक्सिंग है कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, बेसिकली ट्राइपॉड का मैं एक अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। इस अनबॉक्सिंग वीडियो को हम चार सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, उसकी पैकेजिंग पे, उसकी बिल्ड क्वालिटी पे, उसके ईज ऑफ यूज़ पे, देन इज़ इट अ वैल्यू फॉर मनी। तो गाइज शुरू करते हैं मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, मैं आपको अपना प्रोडक्ट दिखाता हूँ। उस पर तो ये मैंने मंगवाया है अमेज़न से, क्या आप देख पा रहे हैं? इसको मैंने ऑर्डर किया था, कल किया था ऑर्डर, और थ्रू अमेज़न प्राइम मेंबरशिप मेरे को आज ही ये डिलीवर हो गया है। सो गाइज लेट्स ओपन इट। ये उसका क्वालिटी है पैकिंग का, ऊपर का अमेज़न प्राइम का, बेसिकली ठीक है, नॉर्मल है। इसमें से आई थिंक ये लीकेज शायद लीक होता है, बिकॉज जब मैंने ये लिया था और अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको क्या पानी में इसको वॉश किया, तो आई थिंक इसके अंदर पानी चला गया है शायद। तो ये सजेशन है अमेज़न के लिए कि इसको थोड़ा सा ठीक करो यार। ये देखो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ही ओपन है तो शायद पानी चला गया होगा इसमें थोड़ा। लेट्स से कि अगर बारिश का मौसम होता और डिलीवरी बॉय गलती से अगर भीग जाता तो ये प्रोडक्ट भीग जाना था। तो गाइस इसको ओपन करते हैं। टों टंग टंग टंग। ये गाइस ये देखिए इसका, ये तो मुंह तो खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है टाइगॉट, ठीक है। इसका MRP 1999 का लिखा हुआ है। मैं अभी आपको बताऊंगा मुझे कितने का मिला ये। इसका पूरा नाम है, दिख रहा है आप लोगों को, टाइगर गोरिल्ला ट्राइपॉड। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो गाइस ये है हमारा प्रोडक्ट। इसमें हमको मिला है, पैकिंग इतनी कुछ खास नहीं है, तो गाइस ये मुझे मिला कितने में, 500 या 600 के कुछ अराउंड का था, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बट स्टिल थोड़ा सा अच्छा होता तो अच्छा लगता ना। ओके। ये एक है हमारा, इट्स अ लाइट वेट है। इसके साथ मिला है हमको ये मिला है, ये बेसिकली मोबाइल के लिए है। पर गाइस इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए दिख रहा है, ये थोड़ा सा लूज लग रहा है मुझे ये, अभी देखते हैं क्या होता है। ये ओहो, ये तो शायद टूटा हुआ है। ऐसे ही होता है क्या? नहीं, टूटा हुआ आई थिंक, ये टूटा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा लूज़ हो गया। इसके अंदर का जो स्टफ होगा ना, जो गम जो इसमें चिपका होगा उससे हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ओहो गाइस ये देखो ये तो टूटा हुआ है गाइस। टूटा हुआ है, पर इससे क्या मुझे फ़र्क, मेरे को रिकॉर्डिंग करने में फ़र्क पड़ेगा क्या? आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ तो इसको चेक करेंगे अपन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इसकी पैकेजिंग के बारे में, तो पैकेजिंग इसका बंडल पैकेजिंग है, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट भी टूट गया है इसमें, तो देखते हैं अब सेकंड इस पे आते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। सो ओवरऑल इसे टच करने पे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी सही लग रही है, बट जिस तरह से ये टूटा है मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़ोर से डला होगा तभी टूटा है ये। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, इसके अंदर का जो ये पीस है ना, ये भी इसी के अंदर चला गया है अभी भी। ओहो गिर गया, बाहर आ गया। ये देखो बाहर ही आ गया। गाइस जो मैं ये बोल रहा था ना, ये बेसिकली इसकी वजह से टूटा हुआ है, ठीक है गाइस। अब इसको देखते हैं, ये देखो गाइस, ये इसका सबसे, ये जो ट्राइपॉड्स होते हैं इनका सबसे बढ़िया क्या चीज़ होता है, इनको आप सीधा भी कर सकते हैं, सीधा खड़ा कर सकते हैं आप चाहे तो। अगर आप देखेंगे ना तो इसको कैरी करने में इजी हो रहा है मेरे को। ये देखिए गाइस, मैं गाइस दिखाता हूँ आपको, देखा गाइस खड़े करने में भी स्लिप नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जो है नीचे ये प्लास्टिक से, तो ये स्लिप नहीं हो रहा है। इसको आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से, ये देखिए गाइस बढ़िया लग रहा है। तो गाइस मैं मोबाइल ले आया हूँ,
तो देखते हैं इसमें ऑयल फिट होता है कि नहीं होता। मेरा ऐसा अजम्पशन है कि यहाँ पे शायद कोई स्प्रिंग होना चाहिए था, सो दैट जब मोबाइल इसमें जाए तो ये इसको होल्ड करके रखे ऐसे। देखो ये टूटा हुआ है ना, इसका ये वाला पार्ट जो है ये निकला हुआ है, तो ये इसको होल्ड ही नहीं कर पाया, बाहर निकल जाएगा। गाइस ये तो टूटा हुआ आ गया अपने पास। मैं इसको रिप्लेस के लिए मैं इसको डाल रहा हूँ। ये क्या, अभी ये फ्री है एकदम। तो अगर मैं मोबाइल इसमें लगा भी लेता हूँ, आई विल शो यू, आई जस्ट शो यू डायरेक्टली। तो अगर मैं इसको लगा भी दूंगा तो ये नहीं संभाल पाएगा। ये देखो, ये देखो, देख रहा है, ये फ्री है, इट्स ब्रोकन पीस गाइस। मेरा ओवरऑल इस पर नेगेटिव फीडबैक है। ये जो पार्ट है ये अच्छा है, बट प्रॉब्लम इसका है, सिर्फ ये वाला पार्ट बेकार है गाइस। गाइस ये तो बहुत बेकार लगा मुझे। सो गाइस बिफोर बाइंग ऑनलाइन एनीथिंग, डू ट्राई टू चेक द रिव्यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, डू चेक द रिव्यूज़ ऑफ द सप्लायर, बिकॉज गाइस अगर इस तरह से अगर होने लग जाएगा, बार बार प्रोडक्ट्स अगर ख़राब आएंगे, तो फिर कस्टमर ऑनलाइन स्टोर से कैसे खरीदेगा।